हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुमन। हैप्पी होली फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या होता है और इसके कारण क्या है, इसके में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और इसके क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और इसके मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं माइग्रेन के बारे में। तो सबसे पहले माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्रेन में जो है कि एक केमिकल चेंजेस होता है, कुछ सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जिसका लेवल कम हो जाता है एंड हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और हमें हेडेक चालू हो जाता है। ये जो माइग्रेन है बहुत तेजी का होता है, बहुत ही सीवियर टाइप का, और ये थ्रॉम्बिंग टाइप का पेन होता है, जैसे कोई हमारे सर में हथौड़ा मार रहा हो। ये वन साइडेड होता है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, और कई बार क्या होता है ये दोनों साइड्स को भी कवर कर लेता है। और ये मेनली फीमेल्स को अफेक्ट करता है देन द मेल्स, एंड ये हेरिडिटरी भी होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्या कारण है। इसके कारण है, सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लैक ऑफ स्लीप। अगर प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपको माइग्रेन होने के चांसेस हैं। डिहाइड्रेशन, एसिडिटी एंड बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर फीमेल ले रही है उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यूरिंग पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल्स में हार्मोन्स का चेंज होता है, चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है हार्मोन का, उसकी वजह से भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। इसमें बहुत तेजी का हेडेक होता है, थ्रॉम्बिंग टाइप का पेन है एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड चक्कर आने लगते हैं और भूख नहीं लगती है, ये सारे सिम्टम्स देखे गए। अब कुछ चीजें हैं, ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो हमारे माइग्रेन को बढ़ाता है, जो हमें चीजें अवॉइड करनी चाहिए। वो है कि एक तो लाइट, लाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है जब किसी को माइग्रेन होता है तो, एंड नॉइज, साउंड एंड स्मेल हो गई, ये सारी चीजें हमें उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। और जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कॉफी, चॉकलेट, जंक फूड और पैकेज फूड जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनमें एक्चुअली मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम का प्रिजर्वेटिव होता है, उसकी वजह से भी माइग्रेन होता है, तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे माइग्रेन को बढ़ाती है एंड हमें स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या क्या होगा। एक्सरसाइज होगी एंड डाइट, क्योंकि ये लाइफस्टाइल टाइप की प्रॉब्लम है। अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक होगा तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो हमें एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है ये हम बात करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है कि हमारी नेक है उसको फॉरवर्ड प्रोट्रूड करेंगे देन एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, इसको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे एंड हम 10 टाइम्स इसको करेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, हमारा एक हैंड है वो बैक साइड में होगा और नेक है वो अपोजिट चेस्ट की तरफ होगी एंड हम इसको बेंड करेंगे और दूसरे हैंड से हमें इसे फोर्सफुली बेंड करेंगे। ओके, सेम एक्सरसाइज अपोजिट साइड करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज में एक टॉवल लेंगे छोटा, उसको हम बैक ऑफ नेक पे ले जाएंगे एंड हम इसको क्रॉस में पकड़ेंगे और एक हैंड से हम नीचे की तरफ पुल करेंगे, एक दूसरी साइड हम ऊपर की तरफ लाइक दिस। सेम अपोजिट साइड,
लाइक दिस। ये एक्सरसाइज हमें 5 सेकेंड्स के लिए सेम होल्ड करेंगे एंड 10 टाइम्स करेंगे। अब हम बात करते हैं डाइट की कि हमारी डाइट में क्या होना चाहिए जिससे हमारा माइग्रेन ठीक हो जाए। तो हमारी डाइट में मैग्नीशियम, विटामिन B2 एंड डिहाइड्रेशन है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है? मैग्नीशियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैग्नीशियम है जो हमारे ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती है उनको रिलैक्स कर देती है, क्योंकि हमारा ब्रेन में ब्लड सप्लीमेंट मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है तो वो वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, इसलिए हमारे लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। तो मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में होता है? एक तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, बादाम है एंड ये पम्पकिन है, पम्पकिन सीड्स हैं, बेरीज है, बनाना है, इन सब में अच्छा मैग्नीशियम होता है। फिर हम बात करते हैं विटामिन B2 जो राइबोफ्लेविन है, तो ये किन किन चीज़ों में होता है? ये है डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध दही छाछ पनीर, पनीर जो है वो फ्रेश होना चाहिए, पुराने पनीर से भी माइग्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो और क्या क्या है? सनफ्लावर सीड्स हैं एंड क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स हैं वो कौन सी होती है? एक तो हमारा पत्ता गोभी है एंड ब्रोकली है, इन सब में भी बहुत अच्छा विटामिन B2 है। एंड जो क्या बोलते हैं एवोकाडो है, एंड ये सारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन B2 के। और हमें बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी अच्छा पीना चाहिए, हमें मतलब दिन में 7 to 8 लीटर वाटर लेना चाहिए, और जो वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है वो चीज़ें ये है, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया एंड फ्रूट्स हो गए, और ये कोकोनट वाटर हो गया, इन सब में अच्छा वाटर है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये इन डाइट को अगर हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें एंड ये एक्सरसाइज करें तो हमें माइग्रेन से काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।